एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि मुझे विड्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे काफ़ी लोगों ऑलरेडी मतलब होता है कि पहले से कोई बैंक डिटेल हमने ऐड कर रखी हो, बट उसमें विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है, हो सकता है वो अकाउंट माइनस में हो, तो हम कैसे न्यू बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें बैटवे वेबसाइट या ऐप ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कर लेते हैं। ठीक है, कल किसी ने कमेंट किया था तो उसके लिए वीडियो काफ़ी होने वाला है, बाकी आप लोग भी इन फ्यूचर कभी हो सकता है तो उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैंने एक बार खुद ट्राई किया है, बाकी आप भी एक बार से यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हमें जैसे देख सकते हैं ओपन है बैटवे की साइट, तो मैं ऊपर देख रही प्रोफाइल, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फर्स्टली बैंक लिखा हुआ, बैंक पे क्लिक करना है। ठीक है, विड्रॉल का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, बैलेंस, डिपॉजिट, मैनेज विड्रॉल। मैनेज विड्रॉल पे नहीं करना, सबसे नीचे है विड्रॉल, विड्रॉल पे क्लिक करना है आपको। ठीक है दोस्तों, पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, विड्रॉल टाइम जो होता है, अगर मंडे से फ्राइडे के बीच में आप करते हो तो ये फाइव वर्किंग आवर्स डेज होते हैं जिसमें आप विड्रॉल करते हैं, तो 4 to 5 hours के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है अगर आपका अकाउंट वेरीफाई है। अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा। और जैसे आप सैटरडे संडे को करते हो, ठीक है, सैटरडे को भी सेम डेज में आ जाता है, बट कभी कभार होता है कि हॉलीडेज़ वगैरह होती है तो प्रॉब्लम होती है। अगर सैटरडे या संडे को अप्लाई करते हो तो 3 to 4 days के अंदर आपके बैंक में अमाउंट आता है। दोस्तों अब क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं बैंक कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली, सपोज करो इंडिया, बैंक है मेरा कैनरा बैंक, सपोज जैसे मैंने कैनरा बैंक डाल रखा है, ब्रांच डाल दो, अकाउंट होल्डर नेम, नया कैसे कैसे करके जैसे नया डाल सकते हो। ठीक है, जिस पे आपको लेना है विड्रॉल, चाहे आपके मम्मी पापा का हो या किसी का भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अकाउंट टाइप सेविंग करंट, अकाउंट नंबर, CNRV कोड, IFC कोड, आधार नंबर, और कितना अमाउंट डाल के पासवर्ड डाल के विड्रॉल पे कर देना। तो जैसे आप पासवर्ड डाल विड्रॉल पे करेंगे तो अकाउंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा अपडेट। ठीक है, और इस पे दोस्तों जैसे मैंने बताया, इसी तरह से आप नया अकाउंट भी बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं। जैसे आप नया बैंक डिटेल डालते हो यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी कैनरा बैंक का मेंशन किया है, कोटक बैंक का, किसी भी बैंक का डालते हो तो ऑलरेडी वो यहाँ पर सेव हो जाता है, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम पे कभी भी विड्रॉल करते हो तो नए बैंक की ही मनी विड्रॉल होगा। ओके फ्रेंड, एंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट एंड क्वायरी है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे किस चीज़ पे वीडियो आपको देखना है या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर फ्रेंड्स।